नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पुनः आगे आपके समक्ष आपको परेशान और सूचनाओं को देने के लिए। वीडियो का टाइटल और यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं 6 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में 3-4 नए अपडेट, और इनका संबंध है यूजी पीजी पीएचडी के बच्चों से जिन्होंने भी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 21 और 22 के सेशन के लिए प्रवेश परीक्षा दी है और आ चुका है उनका रिजल्ट, है उसकी सूचना है। यदि नहीं देखा है रिजल्ट तो उसकी सूचना है, डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं अपलोड तो उसकी सूचना है, कब है आपकी काउंसलिंग उसकी भी सूचना है, कब होगा आपका एडमिशन उसकी भी सूचना है, कब तक जमा करनी है फीस उसकी भी सूचना है, और कब तक और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शनल और कौन से हैं मैंडेटरी और सबमिट करने हैं वेबसाइट पर जाकर उसकी भी सूचना है, और पीएचडी के बच्चों का कब होगा इंटरव्यू उसकी भी सूचना है। ये सारी सूचना एक वीडियो में मिल जाएगी आपको, और वीडियो देखने के उपरांत मन में कोई सवाल हो तो मुझे दे दीजिएगा, मुझसे कोई शिकायत हो तो भी मुझको कह दीजिएगा, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। पीएचडी के सभी विषयों का आ चुका है रिजल्ट, इसके अलावा जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, आपको रिजल्ट में खास पहले पीएचडी की बात नहीं करेंगे, पहले हम यूजी और पीजी की बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है यूजी और पीजी की बात करना, पहले हम यूजी पीजी की बात करेंगे। यूजी पीजी का भी सभी विषयों का, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, इंक्लूडिंग बीएड हो आपका, चाहे आपका बीएड, क्योंकि बीएड भी होता है इस यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ लोगों ने बताया था, और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी है, एमसीए भी है, और बीपीएड भी है, एमपीएड भी है, तो ये सभी कोर्सेज के रिजल्ट भी आ चुके हैं। बी फार्मेसी भी है, एम फार्मेसी भी है, बी लिप भी है, ठीक है ना, बीएड मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्सेज है, इन सभी का रिजल्ट आ चुका है। वेबसाइट पर जाइए, रिजल्ट को देख लीजिए, और रिजल्ट में आपको कुछ बातों को देखना है और देखकर समझना है, और समझने के बाद कोई समस्या यदि आती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा, वेबसाइट पर जाकर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। अब हम और बातों की बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं 3 तारीख तक, तारीख आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप डॉक्यूमेंट्स को सुन लीजिएगा और ध्यान से इसको लिख भी लीजिएगा। पहले मैं बताऊंगा आपको बीए के बच्चों के लिए, जो बच्चे यूजी में हैं, बीए है, बीएससी है, बीएचडब्ल्यू है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, बी फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सभी बच्चे ध्यान दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देने हैं। 10th 12th की मार्कशीट, ठीक, मैंडेटरी है ये, 10th 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है ये डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, ऑप्शनल से मतलब यदि आप कुछ सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि आप यदि ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा और साथ में इनकम का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा यदि आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, एसटी में है, तो आप यदि इसका लाभ लेना चाहते हो तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी मांगे गए हैं यूजी के बच्चों के लिए, खासकर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, टीसी है जिसे बोलते हैं, टीसी और एमसी यानी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और एक होता है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है, यदि अभी नहीं मिले हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बाद में आपसे मांग लिए जाएंगे। जो बच्चे बीएड और स्पेशल बीएड, बीए बिलिप और बीपीएड और पीजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं, वे बच्चे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इसके अलावा आपको यूजी की मार्कशीट भी देनी है, जो डॉक्यूमेंट पहले मैंने आपको बताए थे ना 4 डॉक्यूमेंट, इसके अलावा बीएड, एमपीएड, स्पेशल बीएड और लाइब्रेरी साइंस के बच्चों को यूजी की कंप्लीट का मतलब कंप्लीट 6 के 6 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है, उसकी मार्कशीट आपको देनी है। आपका यदि रिजल्ट नहीं आया है तो अंडरटेकिंग का ऑप्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो फीस का ऑप्शन नहीं आएगा, मेरिट में आपका नाम, मेरिट कब आएगी आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। अब हम कहाँ चलते हैं, आप चलते हैं पीजी के बच्चों के लिए, पीजी के बच्चों को कौन से सर्टिफिकेट देना है, 10th 12th की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट मैंडेटरी है, टीसी और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, और यदि आप पीडब्ल्यूडी में है, एससी एसटी में है, उसका यदि कैटेगरी में है तो सर्टिफिकेट याद रखिएगा, पीएचडी के बच्चे 10th 12th यूजी पीजी की चारों मार्कशीट चाहिए आपको, ओरिजिनल याद रखिएगा। यदि पीजी का रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपका है, यूनिवर्सिटी का नहीं है, कैसे इंतजाम करेंगे, ये आपका है। कास्ट सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है, यदि आप उस कैटेगरी में तो लगाइएगा। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है आपका, ठीक है, आपने यदि अप्लाई किया था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए और आप निकले एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में,
यदि आप निकले एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कौन था कौन थी ये आपको पहले से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस भी आधार पे आपको एग्जाम्प्टेड किया गया था प्रवेश परीक्षाओं से, उसका प्रूफ आपको अपलोड करना होगा या देना होगा इंटरव्यू से पहले। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। यदि आप ये कहें कि उस वक्त तो हमने भरने के लिए भर दिया था कि हम एग्जाम्प्टेड हैं, लेकिन हम पे सर्टिफिकेट नहीं है, इस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे बेशक आप इंटरव्यू तक पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी बच्चों को 5% सीट का रिजर्वेशन दिया गया, आप सभी जानते हैं, और जो भी कुछ अलग चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी है। ये थी डॉक्यूमेंट। अब कुछ डेट्स को सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, किसको, डेट्स को, और इन डेट्स का लाभ पीएचडी को छोड़कर सभी ले पाएंगे। पीएचडी की डेट्स अलग हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो बच्चे पीएचडी में नहीं है, अप्लाई किया है, वे सब सुने, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, बीएड और लॉ के बच्चे, बीपीआर के बच्चे और डिप्लोमा के बच्चे, 10 तारीख तो ऐसे खत्म हो गई है, 10 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, अपडेट करने थे। वीडियो आप देख रहे हैं 12 तारीख को, क्योंकि नोटिफिकेशन ही लेट आया है, क्या कर सकते हैं। 8 को रिजल्ट आया है, 6 की इस पे डेट है, 8 को रिजल्ट आया है वेबसाइट पर, और 6 तारीख की इसकी डेट दे रखी नोटिफिकेशन, सोचिए, यानी कि बैक डेट का नोटिफिकेशन डाला गया है वेबसाइट पर। सही है गलत है कमेंट कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिएगा। वैसे आप ना ही कमेंट करेंगे ना ही यूनिवर्सिटी से पूछेंगे, क्योंकि आप पका पकाया खाने के शौकीन हो चुके हैं, और आपके शौक को तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है। हम कहाँ चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, डेट्स को सुन लेते हैं। 10 तक आपको डॉक्यूमेंट करने थे, 11 और 12 अक्टूबर को, जो कि आज है 12 अक्टूबर, 11 और 12 अक्टूबर को आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन मोड पर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 12 तारीख को ही, 12 तारीख को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और यदि आपका सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर, तो आपको इसकी सूचना वेबसाइट पर या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी, ऐसा भी लिखा गया है। और ईमेल आईडी में आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आपको फीस सबमिट करनी है। और ये जो भी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूजी और पीजी के बच्चों के लिए है, डिप्लोमा के बच्चों के लिए, बीएड के बच्चों के लिए, पीएचडी के बच्चों के लिए बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको लिस्ट आ जाएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, इसमें जो कि फीस सबमिट करने के बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ, उसकी कुछ फीस मांगी गई है आपसे, ठीक है। जो भी फीस होगी आपको मालूम चल जाएगा, मुझे तो नहीं मालूम है, तो आपको फीस वगैरह सबमिट कर देनी है 13 अक्टूबर तक। 14 और 16 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर जिनका भी सिलेक्शन होगा इन कोर्सेज में पीएचडी को छोड़कर, उनको अपनी फीस सबमिट कर देनी है 14, 15 और 16 अक्टूबर के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद में, और दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर 19, 20, 21 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 23 अक्टूबर को तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की, 24, 25, 26 अक्टूबर को आप एडमिशन ले सकते हैं। 26 अक्टूबर के बाद यदि यूनिवर्सिटी को लगता है किसी कोर्स में कुछ सीटें खाली बची हैं, तो फिर वेटिंग लिस्ट के लिए एक अलग से कट ऑफ निकालेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन 26 अक्टूबर के बाद में, उससे पहले नहीं निकालेगी। ऑनलाइन प्रोसेस है फीस का भी, ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं, वीडियो में ही चलते हैं पीएचडी के नोटिफिकेशन पे, वो नहीं सुनेंगे आप, वो भी सुन लीजिए। हिंदी में बताएं, इंग्लिश में, क्योंकि दो हैं, हिंदी बताते हैं। 11 अक्टूबर बीत चुकी है, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए थी। 11 अक्टूबर को उसमें डेट दी है, वैसे हम 13 की बात कर लेते हैं। दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को ऑनलाइन शुल्क जमा करना है 12 और 13 अक्टूबर की डेट में, और ये शुल्क किसका है, ये शुल्क ऑनलाइन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि अब देखिए पीएचडी के बच्चे भी देखिएगा, पीएचडी के बच्चों का रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट दे दी गई 10 अक्टूबर, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये 11 अक्टूबर का है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 10 अक्टूबर तक, और डॉक्यूमेंट 10 अक्टूबर तक अपलोड करने हैं, इस डेट की सूचना जिस नोटिफिकेशन में आई है वह सूचना आ रही है 11 अक्टूबर को। डेट्स को ध्यान समझिएगा, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ना ही ये हिस्ट्री है, ना ही ये रीजनिंग है, ना ही ये एनालिटिकल रीजनिंग है, ये यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए, नहीं समझेंगे ना ही यूनिवर्सिटी का नुकसान है, ना ही मेरा नुकसान है, ना ही यूट्यूब का नुकसान है, भारत सरकार तो चंगी सी नुकसान अप्लाई करने वालों का है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आता है, 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट 10 अपलोड तारीख का ही अपलोड करने हैं, इसकी सूचना 11 अक्टूबर को आती है वेबसाइट पर।
यानी कि यूनिवर्सिटी पहले से डिसाइड कर चुकी है किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना है और किस कंडीशंस पे देना है। अब आप मेल करेंगे यूनिवर्सिटी को, सर हमको तो मालूम नहीं चला डॉक्यूमेंट अपलोड करें 10 तारीख तक, क्योंकि नोटिफिकेशन ही 11 को आया, वीडियो हमने 12 को देखा, मेरे जैसे गधे का, गधा मुझसे बेटर होता है, कार्य करता है, निष्फल कार्य करता है। हम तो लाइक्स व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आप में से किसी एक का भी व्यू बदलता है ना, दृष्टिकोण बदल जाता है, सफल हो जाएगा। छोड़ देते हैं बकवास को। 13 अक्टूबर तक दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को शुल्क जमा कर देना है ऑनलाइन माध्यम से 13 अक्टूबर के बाद। 13 अक्टूबर के बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। किनका होगा वेरिफिकेशन? क्योंकि 11 और 12 और 13 अक्टूबर, ये 3 डेट्स हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इन 3 डेट्स में ही आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन भी करना होगा उनका, मेल भी आएगा, जो कुछ होगा। अब आते हैं 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर उन सभी बच्चों के लिए है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, SC कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में है, EWS कैटेगरी में है, और बहुत बड़ा वर्ग भी तो नहीं है, छोटा भी नहीं है, OBC वर्ग, इन सब के लिए 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को आपको क्या करना है भैया, आप लोग भी सुन लीजिए, बहन लोग भी सुन सकती है जिसको सुनना है। जो भी बच्चे एंट्रेंस की लिस्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं और वरीयता सूची में उनका नाम है, जो भी बच्चे एंट्रेंस दिए हैं और वरीयता सूची में उनका नाम है, क्योंकि वरीयता सूची में वरीयता किस आधार पर किसे दी जाएगी इसकी सूचना भी नहीं आई है। वरीयता सूची में किसे वरीयता दी गई है इसकी सूचना वेबसाइट पर अभी तक नहीं आई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं और आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर को नहीं आई है, लेकिन डेट दे दी गई है कि 20 अक्टूबर को इन सभी कैटेगरी के बच्चों को अपने अपने यानी कि उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना है, उन्हें ईमेल के माध्यम से सूचना देगा देना है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने कैटेगरी बताई आपको, PWD की छोड़कर जनरल, OBC, EWS, SC, ST और कोई बचा है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। इन सभी बच्चों को 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर से नहीं, 20 अक्टूबर तक अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी है वेरिफिकेशन करवाना है, काउंसलिंग करनी है, इसकी सूचना ईमेल से आपको दे दी जाएगी। अगर आपका ईमेल नहीं आया है तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, विश्वविद्यालय की फीस आपने विश्वविद्यालय को दी है, मुझे नहीं दी है, वहां संपर्क कीजिएगा, ठीक। 20 अक्टूबर तक। अब आते हैं 21 और 23 अक्टूबर को। 21 और 23 अक्टूबर को PhD के सभी बच्चे, PhD के सभी बच्चे का मतलब चाहे एग्जामिनेटेड हैं चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई करके गए हैं, उन सभी को अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। अब ये ऑनलाइन फीस किस चीज की है? एडमिशन की फीस है, काउंसलिंग की फीस है, इंटरव्यू की फीस है, सिनॉप्सिस की फीस है, या केवल फीस है, हमें नहीं पता है, ना नोटिफिकेशन में क्लियर है, लेकिन डेट दी है 21, 22, 23 अक्टूबर को। PhD चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हों या डायरेक्ट, उनको ये फीस जमा करनी है। आगे एक डेट और है 25 अक्टूबर। इस डेट में क्या करना है PhD के बच्चों को, वो भी सुन लीजिए भैया आप लोग। अगली वरीयता सूची के अनुसार, अगली अगली पहली नहीं आई अभी तक, अगली की सूचना आ गई। ये अगली अगली क्या है कमेंट करके बताइएगा। पहली की सूचना आई नहीं नोटिफिकेशन में, अगली की सूचना इस नोटिफिकेशन में दे दी बैक डेट में कि अगली वरीयता सूची के अनुसार पाठ्यक्रमवार, पाठ्य क्या शब्द है, पाठ्यक्रमवार यूजी बच्चे यानी कि अनरिजर्व बच्चे, SC बच्चे, ST बच्चे, OBC बच्चे, EWS बच्चे उम्मीदवारों का जो भी है अपने दस्तावेजों का निर्धारण ईमेल के माध्यम से सूचना दे दीजिएगा। यानी कि यदि पहली सूची के आधार पर कोई बच्चा चयनित नहीं होता है तो दूसरी सूची निकालेगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया पिछले 10 मिनटों से, भैया यूनिवर्सिटी ऑफ घासीदास की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं कहीं और फलाना फलाना ठिकाना आप लोग टोल डाल लें, ठीक है। 25 अक्टूबर तक सेकेंड वरीयता सूची के आधार के बच्चे अपने ईमेल के माध्यम से भैया काउंसलिंग की सूचना वगैरह दे देंगे, जो भी है पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दिमाग से मेरे परे है नोटिफिकेशन। अगली डेट है 26 से 28 अक्टूबर। 26 से 28 अक्टूबर के बीच में सेकेंड वरीयता सूची के आधार पर यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद की सूची के, क्योंकि पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, याद रखिएगा। पहली वरीयता सूची तभी आएगी जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन हो जाएगा, और जब यूनिवर्सिटी को लगेगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सही है, सत्यापन के लिए योग्य पाए गए हैं, उसके बाद आप तभी आपका नाम पहली वरीयता सूची में आएगा। और जब सेकंड वरीयता सूची के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें उन बच्चों का नाम आएगा जब आप डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहली वरीयता सूची में कुछ बच्चों का नाम आएगा, दूसरी में कुछ का नाम आएगा, लेकिन आपका नाम सूची में आएगा ही, इसकी सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना बताया कि यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए, जो यूनिवर्सिटी ने मांगे थे सही हैं, आपकी योग्यता पूरी है, तभी आपका नाम वरीयता सूची में आएगा। और जब तक आपका नाम वरीयता सूची में ना आए तब तक फीस को सबमिट मत कीजिएगा।
ये मेरा सुझाव है, सलाह है, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है। तो दो तो भैया सूची आएंगी और सेकंड सूची की फीस आपको जमा करनी है 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में। ये है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में दो तीन बातें और कही गई हैं। काउंसलिंग फॉर बीएड और बीएड स्पेशल बी फार्मेसी डी फार्मेसी प्रोग्राम की जो स्टार्टेड होगी 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, बीएड और स्पेशल बीएड, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बच्चे ध्यान दें जो भी इस कोर्स में ले रहे हैं, इनकी काउंसलिंग 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरे को पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में बताना है, वीडियो मत छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, मेरी बात माननी तो मानिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। 25 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास में बीएड और बीएड स्पेशल के बच्चों की काउंसलिंग शुरू होगी, साथ में डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बच्चों की भी। अब आते हैं पीएचडी के बच्चों पे। पीएचडी के वे बच्चे जो एग्जामिनेड कैटेगरी में हैं और पीएचडी के वो सभी स्टूडेंट, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो एंट्रेंस क्वालिफाई कर गए हैं। आप लोगों के इंटरव्यू की डेट है 2nd वीक ऑफ नवंबर, यानी के गलत हो गया, आप सभी के इंटरव्यू की डेट, और ये डेट ना निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंजेबल है, क्योंकि नवंबर में क्या हो जाए मालूम नहीं, क्योंकि यूपी बगल में लगा हुआ है, यूपी का घमासान मालूम है ना, नहीं मालूम है तो खोल लीजिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता लग जाएगा ये आपका हैंग नहीं हुआ है। 2nd वीक ऑफ नवंबर से पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू की सूचना आपको, इंक्लूडिंग काउंसलिंग, इंटरव्यू की सूचना और काउंसलिंग की सूचना आपको आपकी ईमेल आईडी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। और किसी माध्यम से सूचना यदि आती है तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, ये यूट्यूब भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, विश्वविद्यालय भी कहता है। तो पीएचडी के, और हाँ सिनॉप्सिस, उसकी बातें फिर कभी करेंगे। सिनॉप्सिस का बनाना है ना आपको, मैं बनवा दूंगा, आपका बैठा हूँ, बनवाएंगे सिनॉप्सिस आपका। यदि आप बनाने के इच्छुक है तो अपने सवालों को भेजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सिनॉप्सिस को लेकर हो, काउंसलिंग को लेकर हो, एडमिशन को लेकर हो, वीडियो में दी गई सूचना को लेकर हो, और मेरे को क्या सुधार करना है कंटेंट में वो जरूर बताइए। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कीजिए। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक जरूर ठोकिए, कारण बिना कारण बताए डिसलाइक छोड़ दीजिए, और अगली वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, आपको लगता है सूचना सही तक आपसे पहुँचाई है तो भैया एक कुछ कह भी दीजिएगा, अपशब्द मत कहिएगा। मुझसे पहले यूट्यूब एक्शन ले लेगा आपके ऊपर, और आप एक्शन से बचना चाहते हैं, रिएक्शन से बचना चाहते हैं, तो अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, और बचता इंसान तभी है जब कुछ गलती होती है, या गलती हो चुकी होती है, या गलती होने की संभावनाएं होती है। और मानव तो गलतियों का पुतला है। ये गाने में सुने थे, ये शब्द गाना किसका है मालूम नहीं, किस फिल्म का है मालूम नहीं, सूचना थी आपको दे दी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की, यूजी की, पीजी की, पीएचडी की, डिप्लोमा की, बीएड की, लॉ की, और बीपीएड एमपीएड की, इन सभी कोर्सेज की। फिर भी कोई बात मुझसे छूट गई है, रह गई है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर से कहूँगा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का जवाब मिलेंगे, सही समय पर मिलेंगे। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। आपके पास किसी यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन है मुझे भेजिए, वीडियो आपको मिलेगा उसके ऊपर कुछ ही घंटों में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, और बात करेंगे एनटीए के पुनः एक और तांडव की। एक और नया झुर्र छोड़ दिया है एनटीए ने, क्या झुर्र है, उस झुर्र की चर्चा करेंगे 14 अक्टूबर को। वेट कीजिए 24 घंटे का। जय हिंद, जय भारत, सलाम।